सबसे बड़े पापी तुम हो, तुम जाके वहाँ पे जाओ। मेरे वो सस्तु थोड़ी ना बह रहा है। ऑन कर, ऑन कर। देखो यार, क्या तक सभी बुक हो गई हैं। आई मीन सब लोग बैठ गए हैं, खासकर बूढ़े लोग। पता ही नहीं चला कब आ गए ये लोग, और अब शायद ये मिल जाए। ये जा रही है क्या? ये जा रही है क्या? गौरीकुंड जा रही है। भैया गौरीकुंड जा रही है। अंकल जी जा रही है, बैठ जाओ। हाँ, इसका ड्राइवर हो गया सब। चलो आगे देखो, देखो ये सब दिक्कतें आ रही हैं यार। पता नहीं, सभी लोग फैमिली ट्रिप में आते हैं तो सब फैमिली लेकर आए हैं। अब हम दो तीन हैं, पूरा बुक कर नहीं सकते। तो अब आगे की सभी बुक हो गई, हमको पीछे क्लास करना पड़ रहा है। देखो आगे सब बड़ी प्रॉब्लम्स है यार, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ना इतना इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। आप बस जल्दी जल्दी करते रहो, फिर जल्दी करोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। ये देखो जवाब ही नहीं देंगे। बैठ जाए ना गौरीकुंड। तीनों का भैया बैठ जाए। भैया तो प्रियंका सभी झूठ बोलते हैं, क्या बोलना चाहती है उसको? सब झूठ बोलते हैं गाइस, कुछ 6-7 घंटे नहीं लगते, सिर्फ 2 घंटे में आपका हो जाएगा अगर आप सही से करते हैं। अरे कहाँ ट्रैकिंग पूरी? ट्रैकिंग नहीं, लाइन लाइन वाला जो कहते हैं। बट लाइन ये है कि आज रश तो है, दूर तो था, बट ठीक है। उतना भी नहीं जितना मतलब ऑनलाइन चीजों में डरा देते हैं, तो आप डरो मत, ठीक है? और फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टेक्ट प्रियंका जी। कोई भी आपको मदद चाहिए, एनी टाइम, ऑल टाइम सपोर्ट। तो गाइस हम यहीं से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे देख रहे होंगे फूड ट्रैक लिखा हुआ है, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये गौरीकुंड है, और जो गाड़ी वाले भैया उन्होंने हमें पहले छोड़ दिया था। 100 मीटर समथिंग हम पैदल चल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर ट्रैफिक हो रहा था, इस वजह से अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे ऊपर 16 किलोमीटर चल के। तो बीच बीच में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये बोट काफी फेमस है, आप देखते होगे रील्स में, है कि नहीं? तो ये बोट याद रखना, ये देखो। और यहाँ सभी माउंटेन्स वाला नज़ारा तो है ही है। बाकी अब हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द फुट 16 किलोमीटर, लिखा 16 है, और पता नहीं अभी भी ज़्यादा ही होगा। हमने कुछ भी नहीं खाया है, अब हम खाएंगे क्योंकि लाइन में ही लगे रहे। हमने कुछ देर, दूसरा दिन कंप्लीट हो गया है, होने वाला है, और हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इवन नॉट अ सिप ऑफ टी। थके हुए हैं ना कि बता नहीं सकते, क्योंकि ट्रैकिंग में थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे रेस्ट का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं ना कि भीड़ होती है, देखो आप भीड़ देख लो। Exactly what the crowd is. तो बहुत भीड़ तो नहीं है, क्योंकि स्पेशियस है काफ़ी, और ठीक है अभी। लेकिन जो रोड्स हैं वो काफ़ी नैरो हैं, तो उसकी वजह से हेक्टिक होगा, बट स्टिल किसी तरह पार करना पड़ेगा। ऊपर सबसे बड़ा झोला, यहाँ पर जितने लोग हैं ना दूर दूर तक, सबसे बड़ा झोला मेरा ही दिख रहा है, देखो आप, ठीक है ना? और क्योंकि इसमें कैंप 3.5 किलो का कंबल, दिस दैट सब कुछ रख लिया है, प्रियंका ने डाल दिया मेरे ही में, और अपना इतना छोटा सा उठा के कर रही है। ओके सो फाइन, देख सकते हो आप प्रियंका का एनर्जी ड्रिंक चालू हो चुका है, ठीक है? अभी लिपस्टिक थोपेगी अपने चेहरे पर और पूरी एनर्जी दिखाएगी इसके बाद। तो मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा, क्योंकि चाय बहुत महंगी, मैं यहाँ पीता भी नहीं हूँ चाय स्पेशली। तो बस इसको देखते रहो कितनी खुश है, ठीक है ना? क्योंकि एक दो दिन से खाना नहीं खाई ना, तो चाय पिलवा देता हूँ तो उसी से इसका पेट भर जाता है। सही है यार, सस्ते में निपट जाती है। अब आप बताओ कि आपकी चाय इतनी फेवरेट है जितनी प्रियंका की है कि नहीं है? तो अभी फ़िलहाल ना, जब आप ट्रैकिंग करते हो, अभी फ़िलहाल केदारनाथ में काफ़ी गर्मी है यार, काफ़ी धूप रहती है। मैंने ऑलरेडी कई सारे वार्म अप्स पहन लिए हैं, बट दीज आर नो यूज। आज अच्छा, हाँ वो बता भी रहे हैं आज धूप निकली है, तो ये शायद बहुत अच्छी बात है कि हमको दिखने को मिल रही है, क्योंकि बर्फ़ तो ऑल टाइम गिरती है, जब हम ऊपर पहुँचेंगे वहाँ बर्फ़ चालू हो जाने वाली है। तो बने रहो, आपको बर्फ़ ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ जो हमारी जर्नी रहेगी ना, इस जर्नी को और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वैसा व्यू नहीं मिल रहा है। एक प्यारा प्यारी जगह रहकर आपको बताऊँगा पक्का। और ये देखो इसका चखना भी चल रहा है, मतलब जिस तरह एक इंसान दारू पीने के लिए जो बेताब रहता है ना, और चखने के लिए, तो यही चलते रहता है मेरे साथ। ऑन कर कपड़े साफ कर रहा है, कपड़े साफ कर रहा है, क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है, कपड़े साफ कर रहे हैं वो। छिड़ू करना यार, हम लोग ठंड में कहाँ जाए।
जहां हमारी ठंड से हालत खराब थी, वहीं ये पहाड़ी बच्चा छोटा सा पानी के साथ तो ऐसे खेल रहा था जैसे कोई खिलौने के साथ खेलता हो। और फिर आंटी ने इस तरीके से नल को बंद कर दिया था, फिर इनको पानी की ज़रूरत हुई तो फिर नल को ऑन कर लिया। और फिर जब हम आगे बढ़े तो यार मेरा उन सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं या करने वाले हैं, कृपया करके घोड़े, खच्चर या किसी भी तरीके का आप वाहन इस्तेमाल ना करें, तो क्या फ़ायदा आपकी यात्रा का। आपको भगवान ने दो पैर दिए, दो हाथ दिए, अगर आपको सौभाग्य मिल रहा है केदारनाथ जाने का तो ज़रूरत क्या है आपको घोड़े खच्चर करने की। जिन पैसों में आप घोड़ा खच्चर करते हो उन्हीं पैसों में आप नाश्ता खाना पीना करते हुए, स्टे करते हुए हर जगह रुक रुक के चले जाइए ना ऊपर दर्शन करने के लिए। कमेंट करके बताना यार मुझे, सही है कि नहीं। आई हेट दिस वन, आई कैन यू ब्रिंग अप। सो यार ये है गौरीकुंड, और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ ऊपर चढ़ने से पहले गौरीकुंड में आप स्नान करते हैं, आप अपने पापों को धुलते हैं और सभी कुछ दूर होते हैं। तो गौरीकुंड काफ़ी इंजॉयबल है और मन तो कर रहा है, वैसे मैं नहाता नहीं, जानते हो आप, ठंडी मुझे काफ़ी लगती है, बट बेसिकली मन बिल्कुल कर रहा है क्योंकि फ्लो, यू नो, फ्लो करता हुआ पानी है। एंड नहीं, वो कोई बात नहीं है ना, वो तो सुसू थोड़ी ना बह रहा है। अच्छा, वो सुसू दिखता नहीं है बहता हुआ, नहीं तो कोई नहाए नहीं। और दूसरी बात क्या है ना, देखो सभी लोग नहा रहे हैं यार, कितना कूल वे से, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये सही है, जब भी आपके पास चांस मिले तो आप नहाओ गौरीकुंड में, क्योंकि ठंडी मुझे काफ़ी लग रही है, तो मैं तो नहीं नहाने वाला। बाकी आप व्यू देखो यार, सारे पाप धुल जाएं। सबसे बड़े पापी तुम हो, तुम जाके वहां पे जाओ। मेरे, मैं तो कोई पाप ही नहीं करता हूँ, मैं तो इवन टीच करता हूँ लोगों को, हेल्प करता हूँ। आप बताओ कि ये पापी है कि नहीं है। मान ही नहीं सकता हूँ, वो जानते हैं मुझे, मैं अच्छा हूँ बहुत। दुआ भी ले लो हमारे साथ, गौरीकुंड का आशीर्वाद, और साथ में कर लो दर्शन। ऐसा सुपर अमेजिंग व्यू यहाँ से, बढ़िया है यार, सभी नहा रहे हैं। तो कमेंट में लिखो पार्वती मैया की जय, और जय माता दी।